स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लोकसभा का रिजल्ट कैसे चेक करें कि किस कैंडिडेट को कितना सीट मिला है, कितना वोट किस एरिया से मिला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिजल्ट चेक करने का सिखाऊंगा। अगर आज की इस वीडियो में 3 मिनट समय निकाल के इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग आसान तरीका से लोकसभा का, विधानसभा का या कोई भी वोट का, चुनाव का जो गिनती है रिजल्ट, उसका चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट चैनल पर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट आपको क्रोम ब्राउजर में करेगा। उसके बाद यहां देख सकते हैं, यहां पे आपको ऑल स्टेट का रिजल्ट पता चल जाएगा कि किस कैंडिडेट को कितना सीट मिला, कितना वोट कहां से मिला है। यहां पे जैसे मैं बिहार से हूं तो यहां पे देख सकते हैं सारा यहां पे स्टेट का आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप आंध्र प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से, चंडीगढ़ से या छत्तीसगढ़ से या बिहार से, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बिहार सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है मोर रिजल्ट का एक ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कैंडिडेट है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है जनता दल, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बीजेपी है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल है, उसके बाद इंडियन कांग्रेस है, उसके बाद लोक यहाँ पे पार्टी है, उसी तरीका से अदर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जनता दल को कितना सीट मिला, यहाँ देख सकते हैं लॉस्ट में गया है। यहाँ पर लॉस्ट में 4 सीट इसका गया है, 12 सीट में 4 सीट लॉस्ट गया है। और यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे 12 सीट यहाँ पे देख सकते हैं ओन है, यहाँ देख सकते हैं 12 सीट में जिसका इसका लॉस्ट गया 5 सीट गया है। और यहाँ देख सकते हैं इसका 4 लॉस्ट गया है राष्ट्रीय जनता दल का। और यहाँ देख सकते हैं इंडियन, यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे 2 गया है। और उसके बाद यहाँ पे लोक जनशक्ति का यहाँ पे देखिए 6 सीट गया है। अब आपको यहाँ पे सारा चीज़ देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इलेक्शन 2024, इस पर आपको क्लिक करना है लोकसभा का। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपका सारा चीज़ यहाँ पे इलेक्शन का दिखाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो जिसका भी आपको देखना है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस कैंडिडेट को कितना यहाँ पे मिला है। यहाँ पे आप आसान तरीका से इस तरीका से आप लोग वोट का चयन, चाहे आप विधानसभा का चेक कीजिए, चाहे लोकसभा का चेक कीजिए, किसी का भी रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस कैंडिडेट को कितना वोट पर आए, कितना सीट से जीता है। तो आप लोग इस तरीका से आप आसान तरीका से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं।